ओके आई थिंक ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के टीजर को देखने के बाद उसकी स्टोरी मुझे ऑलमोस्ट समझ आ गई है कि वहां हो क्या रहा है। पिक्चर का नाम है वकांडा फॉरएवर, लेकिन दिख ऐसा रहा है कि वकांडा गिर रहा है, अटलांटियंस अटैक कर रहे हैं। रुमोंडा की स्पीच से भी समझ में आ रहा है कि वहां के अधिकारियों का कमिटमेंट अपनी रानी के लिए कम हो रहा है, क्योंकि देश के पास अपना कोई राजा नहीं है। देयर इज नो ब्लैक पैंथर। अटलांटियंस का वकांडा के अंदर भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। विदेशियों का भी जान जाना कि देश अभी नाजुक स्थिति में है, तो वो भी अपनी सोल्जर्स को भेजकर वकांडा पे कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वाइब्रेनियम है। और जब हर तरफ से उस पे अटैक्स होने लगे तो वहां के लोग सरेंडर करने लगे। वे देश लिटरली घुटनों पे आ गया, और इतने सारे बवाल में वकांडा खुद को नहीं बचा पाएगा। मगर फिर भी इसका गाना याद रखो, एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट। तो इन द एंड वकांडा को उसका ब्लैक पैंथर मिलेगा, उसको उसकी उम्मीद मिलेगी, और वकांडा के लोग फिर से गर्व से कहेंगे वकांडा फॉरएवर।